तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एलटी ग्रेड की दूसरे चरण की सत्यापन तिथि भी घोषित कर दी गई है। लेकिन हिंदी और सामाजिक विज्ञान वालों का क्या होगा, इनके साथ तो धोखा हुआ है। जैसे अब सत्यापन तिथि हो गई है, ऐसे ही इनको ज्वाइनिंग भी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अब कुछ नहीं कहा जा सकता हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय वालों के बारे में। तो इस वीडियो में बड़ी अपडेट है विक्की खान जी की, तो चलिए आपको अपडेट करा देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय वालों के लिए यहाँ पर परेशानी बढ़ती जा रही है रिजल्ट को लेकर। तो गाइज, अब कोई ठोस कदम उठाना होगा एलटी ग्रेड के हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय वालों को। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पर, ठीक है। आज दिनांक 16 नवंबर को एलटी समर्थक मोर्चे की तरफ से यूनियन हॉल पर आपातकालीन मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के छात्र विशेष रूप से चिंतित नजर आए। बिल्कुल चिंता की बात तो है ही, क्योंकि इनके जितने भी साथी थे उन सभी का अब सत्यापन हो जाएगा। मात्र इन दो विषयों वाले ही छात्र चिंतित नजर आएंगे। इन दोनों विषयों से जुड़े छात्रों का कहना है कि आयोग ने इन दोनों विषयों का रिजल्ट जारी किए बिना ही शेष विषयों का सत्यापन की तिथि घोषित कर दिया है। यह हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय वालों के साथ किए जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। इस दौरान छात्रों ने आयोग के खिलाफ भारी आक्रोश दिखा। मोर्चा संयोजक विक्की खान का कहना है कि इन विषयों के रिजल्ट को लेकर प्रतियोगी छात्र प्रत्येक प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं। साथ ही शीघ्र आयोग के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है हमारे पास तो हम आपको अपडेट करा देंगे। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है, शीघ्र ही विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मोर्चा प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय का कहना है कि पहला अवसर है जब आयोग ने लिखित रूप से हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषयों को शेष विषयों से पृथक पहचान दी है और भेदभाव किया है। छात्र विशाल प्रदर्शन को पूरी तरह तैयार हैं। इस अवसर पर सैकड़ों प्रतियोगी छात्र मौजूद रहे। निवेदक अनिल उपाध्याय, समर्थक मोर्चा। तो गाइज, यहाँ पर एलटी ग्रेड के हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय वाले चिंतित नजर आए और अब कोई ठोस कदम उठाने की बारी आ चुकी है। तो शीघ्र ही कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा धरना प्रदर्शन को लेकर। जैसे ही कोई अपडेट मिलता है हमें धरना प्रदर्शन को लेकर, हम आपको और आपके पास ये अपडेट पहुंचा देंगे, ठीक है ना। तो अब तो कोई ना कोई ठोस कदम आप सभी ने उठाना होगा, क्योंकि दूसरे चरण का सत्यापन तिथि घोषित की जा चुकी है। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।